यश जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे सिंगरों की इंडस्ट्री कहा जाती है, सिंगर ही एक्ट्रेस एक्टर है, उसमें अपने आप को आपने एक अलग एक मुकाम दिलाया है, इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल रहता है आपके जीवन में, ऐसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा रहता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं बहुत डरा हुआ था, जैसा कि मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि मैं इतना डरा हुआ था कि यार मैं सिंगर नहीं हूँ और सिंगरों की इंडस्ट्री है, यहाँ दिनेश जी हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, ये लोग सिंगर हैं और सुपरस्टार हैं। बट उन्हीं के बीच में एक रवि किशन जी थे, हैं, जो सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। जब रवि जी का नाम आता है तो आता है कि ही इज़ अ वन एंड ओनली टैलेंटेड गाय जो किसी भी प्रकार के रोल को बखूबी निभाते हैं। तो उस नाम को बढ़ाने के लिए शायद मैं भी आ गया। अब लोग, कभी एक्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि यार ये एक ऐसा बंदा है जो कॉमेडी भी बखूबी कर लेता है, एक्शन भी वैसा ही करता है, इमोशनल रोल भी वैसा ही करता है। और फिर मैंने साबित भी किया अपनी अलग अलग फिल्मों से, अलग अलग किरदार से, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बस एक काबिल निर्देशक चाहिए। अगर मुझे निर्देशक काबिल मिल जाए तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो किरदार निभा रहा हूँ उसे जीवंत कर दूँ। तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। हाँ, बुरा तब लगता है जब सिंगर एक्टर जो हैं, जो बड़े स्टार हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा, कि यश जी एक फिल्म करनी है आपको और फलाना एक्टर को लेके, ठीक है, निर्देशक ने कहानी पहले मुझे सुनाई, सारी चीज़ें, बाद में जब उनके पास गए तो मैं देखता हूँ कि वो फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, वो एक्टर हैं जिनका नाम लिया था और उनके साथ कोई दूसरा थोड़ा कम स्टारडम वाला सिंगर काम कर रहा है। तो मैं निर्देशक से बात भी करता हूँ कि भाई आपने तो कहानी मुझे सुनाई थी। तो बोले क्या करें, फलाना जी आपके साथ काम करने को तैयार नहीं, क्यों? बोल रहे थे कि नहीं, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। किस लिए? आपकी एक्टिंग को लेके। तो अच्छा नहीं लगता है, और फिर खुशी भी इस बात की होती है कि चलिए, किसी को अगर मेरे एक्टिंग से ये लगता है कि नहीं ये एक्टर अच्छा है, इसके साथ काम करने में हमारा रोल दबेगा या ऐसा कुछ, तो इसे मैं बहुत निगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही लेता हूँ कि चलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे निकलवा दिया। और वैसे भी मैंने खुद के दम पे, खुद के अभिनय के दम पे अपनी एक पहचान तो बनाई है मैंने। लोगों के पास 100 दर्शक होंगे, मेरे पास 70 दर्शक हैं, लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि जो मेरे 70 दर्शक हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो मुझे प्यार करते हैं, जो दर्शक मुझे, ये पूरा वो है कि वो अच्छे लोग हैं, सिनेमा को समझने वाले लोग हैं। तो खुशी होती है कि चलिए सिंगरों के इस दौर में उनके बीच में एक नाम बना करके यश कुमार भी खड़ा है। तो यश जी, मतलब कहीं ना कहीं आप भी इसका शिकार हो चुके हैं कि आपको भी फिल्म से हटाया जाता है, सुपरस्टारों के कहने? मुझे बहुत फिल्मों से हटाया गया है, बहुत सारी फिल्मों से हटाया गया है। मैं कई फिल्मों के नाम जानता हूँ। अभी मैं हाल ही में एक भोपाल में फिल्म कर रहा था एक निर्देशक के साथ में, तो उन्होंने जब मेरे साथ काम किया तो उन्होंने कहा कि यश जी बड़ा मज़ा आया यार आपके साथ काम करके, काश हमने उस फिल्म में भी किया होता। तो मैंने कहा कि उस फिल्म में निकालने की वजह क्या थी मुझे? बोले आपको ही पहले कहानी सुनाई थी, लेकिन जब हम उनके पास गए तो फलाना एक्टर ने कह दिया कि यश जी को हटा दो, तो यश जी के सामने इनको ले लो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले यश जी अब मुझे पछतावा हो रहा है कि काश उस फिल्म में आप रहे होते। तो अच्छा लगता है यार, इसको मैं बहुत निगेटिव नहीं लेता हूँ, इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि जब हटवाते हैं लोग तो अगर उनको ये डर है कि यश अच्छा एक्टर है और हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, तो ये मेरे लिए खुश होने की बात है, ये डरने की बात नहीं है। और फिर भगवान के आशीर्वाद से, मैं खुद ही आप सबकी दुआओं से, भोजपुरी दर्शकों के आशीर्वाद से इन दिनों इतना बिज़ी हूँ, या हमेशा इतना बिज़ी रहा हूँ कि साल के 5 फिल्में 7 फिल्में तो ईजिली मैं कर लेता हूँ। मैं फिल्में छोड़ देता हूँ जब मुझे नहीं समझ में आती हैं, तो मुझे काम की कमी नहीं है। भगवान का ये आशीर्वाद है, भोजपुरी दर्शकों का आशीर्वाद है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो सुपरस्टार है उनकी बात दर्शक, निर्देशक सुनते हैं और उनके हिसाब से फिल्म बनती है? बिल्कुल सुनते हैं। अब तक प्रचलन चल रहा है? बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। मैं 1-2 निर्देशक 3 निर्देशक ही ऐसे जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैंने अपनी शर्तों पर काम करते हुए देखा है, वरना बड़े से बड़े निर्माता को और बड़े से बड़े डायरेक्टर को मैंने एक्टरों के आगे मजबूर होकर के अपना फ़ोन स्विच ऑफ करते हुए देखा है, मजबूर होकर के झुकते हुए देखा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री उस समय तक अच्छी सिनेमा नहीं बना पाएगी, उस समय तक अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी जब तक निर्माता और निर्देशक एक्टरों का सुनना ना बंद कर दें। आपको अपना एक अस्तित्व भी नहीं कह सकते, अपना एक वो होता है ना, डायरेक्टर क्या होता है, कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो डायरेक्टर को ये चीज़ अपनी अहमियत बतानी पड़ेगी सेट पे कि बॉस, आई एम द बॉस, डायरेक्टर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यही नहीं है यहाँ के लोगों में।